नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं दीपक गोस्वामी बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जाने माने समाजसेवी, कांग्रेस के नेता, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे मौजूद हैं जाने माने पत्रकार महेश शर्मा जी। आप दोनों का सिटी लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। पंडित सुरेश मिश्रा जी, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, और आप ब्राह्मणों के साथ साथ समस्त समाज के भी हितैषी हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, कैसे भी हों, आप उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। सबसे पहले अभी जो हमारे देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति चल रही है, जिसमें कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है, और जयपुर के लिए बड़ा संकट का विषय है कि लगातार जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार इस संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकार से भी जुड़े हैं, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, आप समाज सेवी भी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इस समय हम सबको मिलकर, सरकार को मिलकर, सबको साथ में क्या क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या क्या हमें उपाय करना चाहिए? जी देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से आज संकट का समय है और आज कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, जो स्थितियां हमारे सामने दिख रही हैं उनको देखते हुए हमें लगता है कि सबको सावचेती की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे देश में जो बचत हो सकती है इस चीज़ की, क्योंकि हमारे 130 करोड़ की आबादी है, इस जी 130 करोड़ की आबादी को किस प्रकार से हम लोग संभाल सकें, कैसे अपने लोगों को इस बीमारी से बचा सकें, ये देखने का बहुत बड़ा विषय है। पिछले 20-25 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि देश में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, कोरोना वायरस की जिस प्रकार की प्रेजेंस हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग 9,000 से ऊपर अब तक लोग हो चुके हैं, जी और आज भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक का लॉकडाउन करने की घोषणा फिर कर दी है। 21 दिन का समय पहले हम निकाल चुके हैं लॉकडाउन के माध्यम से, और आने वाले 21 दिन में और निकालने हैं। तो ये समय है अपने आप को बचाने का, और चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हम सबका जिम्मा बनता है कि हम सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करें कि इस मानव जाति को बचा सकें, हमारे देश को बचा सकें, हमारी सभ्यता को बचा सकें। जी निश्चित तौर पर महेश जी, आप क्योंकि लगातार पूरे शहर और पूरे प्रदेश में, पूरे देश की जानकारी रखते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी नजर में आप क्या देखते हैं कि क्या कारण मानते हैं सरकार ने जो भी अपने स्तर पर व्यवस्था की है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्या ये पूर्णतः इसका लाभ मिल पा रहा है? क्या हम इससे कुछ ना कुछ बचाव तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इस वैश्विक महामारी में भारत तो अपनी मूर्खता के कारण चपेट में आ गया, क्योंकि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ मामला हमारे पास पहुंचा इटली के थ्रू। तो हमें तो होना ही चाहिए था कि जब चाइना में सबसे पहले मामला आया था जी उसी समय हमें सतर्क हो जाना चाहिए था, और हमें हमारे इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर हमें चेक एंड बैलेंस करते हुए उसको या तो रोक देना चाहिए था या वहां पे बहुत ही ज्यादा टाइटनेस रखनी चाहिए थी। लेकिन वो केंद्र सरकार की यहाँ हम कह सकते हैं लापरवाही रही या जो भी रहा, और क्या तो वो आ रही थी वहीं पे क्वारंटाइन करवाते, तो ये कुछ हुआ नहीं, और धीरे धीरे पूरे राज्य में होते हुए पूरे भारत में ये फैल गया। तो सबसे पहले तो मैं जिम्मेदारी इसमें केंद्र सरकार की मानता हूँ। अब दूसरा, अगर हम आ जाए हमारे राजस्थान के लेवल पे, तो जी यहाँ पे देखिए कि जैसे ये जब फैला तो चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको 40-45 साल का राजनीति का अनुभव है, वरिष्ठ हैं, भारत के जो अच्छे राजनेता उनमें से एक माना जाता है, जी या हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, उन्होंने क्या है कि इसकी गंभीरता को समझा और प्रोएक्टिव एक्शन काफी लिए उन्होंने, और उनका जो भीलवाड़ा में जिस तरह से कंट्रोल किया प्रशासन ने और जी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री जी का सुपरविजन था, और ये नेशनल लेवल पे काफी इसको अप्रिशिएट किया गया, जी काफी चैनल्स ने इस पे इंटरव्यू भी लिए और ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए, कुसुम्बा जयपुर के अंदर ये कोरोना स्पॉट जैसी स्थिति हो गई है, एक व्यक्ति जो ओमान से आया था उसने बताया नहीं और धीरे धीरे रामगंज में वो फैलता चले गया, फिर मुख्यमंत्री जी और प्रशासन ये कहते रह गए कि हम बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, कर्फ्यू है, माँ कर्फ्यू जी है, लेकिन ग्राउंड पे वो दिखा नहीं। एक धर्म विशेष के लोगों के कारण मैंने ये देखा कि वहां के जो लोकल विधायक है वो अपीजमेंट करते रहे, सरकार भी उतना सख्त नहीं हो पाई, जी मुख्यमंत्री जी भी दिखे नहीं, जब भी जमा कर तो दिखता रहा, क्योंकि तो नहीं तो होना चाहिए था कि तुरंत विधायक को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए था,
और प्रशासन जयपुर कलेक्टर और जयपुर पुलिस कमिश्नर को हैंडओवर कर देना चाहिए था। लेकिन बड़ी दुख का विषय है कि अखबारों में रोज आ रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं इधर उधर, तो ये फेलियर है। तो जो जो उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई थी भीलवाड़ा मॉडल के नाम पे, और राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के लिए जयपुर मॉडल में बहुत ही ज्यादा उससे प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। जी सुरेश जी, मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, लगातार जिस तरह कांग्रेस सरकार जो है, अशोक गहलोत की जो सरकार है, उन्होंने लगातार भीलवाड़ा मॉडल जो है पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में एक उदाहरण बना है। तो यहाँ पर जयपुर में या झुंझुनू में या टोंक में दूर या कोटा में जहां पर भी इस तरह के संक्रमण लगातार एक ज्यादा रूप में फैल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे वो मॉडल लागू क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसमें पूरी तरह से सख्ती क्यों नहीं बरती गई, आप क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप सरकार से भी जुड़े हुए। देखिए दीपक जी, कुछ ना समझ लोगों के कारण ही गलतियां हुई हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि ये बीमारी कैसी बीमारी है जिसमें वो खुद भी खतरे में है, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, अपने समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं और लगातार किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का मन है कि किसी प्रकार से कोरोना नहीं बढ़े। लेकिन कुछ ना समझ लोगों के कारण गलतियां हुई हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अब तो जिस प्रकार से लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद में तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, जो ना समझ लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी को इस संक्रमण से साथ जोड़ लेते हैं और उसका नतीजा पूरे लोगों को परेशान होना पड़ता है। और इसी कारण से आज जयपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का ये कोरोना हुआ है। सरकार के स्तर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जा रही है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, अलग अलग इलाकों में जाकर के सारी व्यवस्था की जा रही है, प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे, सरकार के स्तर पर भी किया जा रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही है। मैं खुद, मेरी जो सामाजिक संस्था है संस्कृति, उसके माध्यम से 50,000 से अधिक मास्क हम लोगों ने लोगों को दिए हैं कि वो लोग मुंह पे लगा के चले, संक्रमण नहीं फैले। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें दीपक जी, कि ये ऐसा खतरा है जो मानव जाति के लिए खतरा है। देखिए, अमेरिका जैसा शहर जो सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री माना जाता है वो परेशान है। मैं महेश जी की बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर उस समय इसको रोक देते जिस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये संक्रमण बड़ा संक्रमण होगा, तो निश्चित रूप से ये समस्या सामने नहीं आती। लेकिन अब आ गई है तो हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो परेशानी है, जो महामारी है, वो आ ही गई है। तो अब हमको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी को साथ मिलकर एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। यहाँ पर सुरेश जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि आपने खुद ने जैसा कि अभी कहा कि कुछ नासमझ लोगों के कारण जो है राजस्थान में ये स्थिति बनी है, तो आप इसमें क्या मानते हैं कि सरकार उनको पूरी तरह से समझा नहीं पाई, सामाजिक संगठन उन तक पहुंच नहीं पाए, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि देखिए, मूल रूप से जो पूरी जिम्मेदारी है वो तो जो वर्तमान सरकार है उसकी होती है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी चूक हुई है लोगों को समझाने में, लोगों को पूरी तरह से गाइडलाइन जारी करने में। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से भी लोगों के लिए पास में मैसेज, लोगों के पास में टीवी, रेडियो, आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि बार बार हाथ धोइए, कोई बीमारी है तो उसका निदान करने के लिए बात कीजिए, डॉक्टर्स के नंबर दिए जा रहे हैं, मेडिकल टीमें लगातार लगी हुई हैं, हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ नासमझी होती है, लोगों को डर होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा, पता नहीं हमें क्या होगा। कुछ लोगों की नासमझी के कारण ये इतना फैला है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरा मिश्रा जी यही सवाल है कि जिस तरह से हॉस्पिटल से लोग भाग रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से लोग कतरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो वहां पहुंचेंगे तो उनके उनको सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि सरकार की चूक रही है। आखिर सरकार उनको क्यों नहीं ये बात मना पाई कि भाई हॉस्पिटल आप आएंगे तो आपकी पूरी तरह से देखभाल होगी, आपके ऊपर कोई कैदियों जैसा व्यवहार नहीं होगा, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए दीपक जी, पूरे देश में जिस प्रकार से ये कोरोना बढ़ रहा है, इसमें कोई एक व्यक्ति या एक सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सामूहिक रूप से हम देखें तो कहीं ना कहीं पर जो व्यक्ति खुद ना समझ है उसको समझाने का हर तरह से सरकारें करती हैं, मेडिकल टीमें उनको समझाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहती है। और मेरा ये भी मानना है कि सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार से लोगों को समझाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से समझा रहे हैं, हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ नासमझी के कारण ये बढ़ रहा है। हमें इसको रोकना पड़ेगा, कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ इसको रोकने का प्रयास करें। देखिए, हम खुद ये देख रहे हैं कि अगर हम रामगंज की बात करें तो वहां पर भी महाकर्फ्यू
लगा दिया गया है, बावजूद उसके वहां पर लोग जो है अंदर जा रहे हैं, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हो, चाहे वो समाज से भी संगठन हो, तो इसको पूरी तरह से ब्लॉक आज तक क्यों नहीं किया गया? देखिए कर्फ्यू की पूरी व्यवस्था दीपक जी यहाँ पे, कल तो सरकार ने यह भी तय किया कि जितने गेट थे वो बंद कर दिए गए हैं, इससे लोगों की आवाजाही खत्म हो जाए, और हर स्तर पर समझाने के लिए सैनिटाइजर जाते हैं तभी अनाउंस करते हुए जाते हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, तो सरकार और जिला प्रशासन किसी प्रकार से कमजोरी में नहीं है। मैं इस बात में बिल्कुल इस बात के पक्ष लेते हुए कहूँगा कि सरकार के स्तर पर जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है, लेकिन अब ये समझाने के लिए आप भी खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे साथ सामने समस्या क्या है और उसको कैसे जी। महेश जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार सरकार से भी जुड़े रहते हैं और आम जनता से भी जुड़े हैं, आप लगातार अभी भी फील्ड में भी जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या क्या कमी है आज भी रामगंज में, या हॉस्पिटल्स में कुछ कमी हो तो हम हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक, सुरेश जी तक हमारी बात पहुंचे, ताकि जहां जहां इस तरह की कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए और आम जनता को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। देखिए ऐसा दीपक जी, आज जो जयपुर की स्थिति है जी, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजस्थान सरकार है। अगर आपने भीलवाड़ा मॉडल के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी तो यहाँ पे फेलियर के लिए या चीजें सही तरीके से नहीं हो रही हैं, और कैसे 350 को क्रॉस कर गए इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि शासन प्रशासन को क्या है कि पूरी तरह से इसको सख्ती से डील करना चाहिए था, प्रशासन को फ्री हैंड नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे, भीड़ के साथ जाके राशन बांटने के नाम पे जो है अपनी अपनी लिस्टें रखेंगे, ठीक है ना, तो ये तकलीफें आएंगी। तो कर्फ्यू जैसी स्थिति देखी नहीं वहां पे, क्या है कि जो विधायक हैं वो धर्म विशेष के हैं, जिसके कि सबसे ज्यादा जो मरीज आ रहे हैं कोरोना के, उनका भी इंटरप्शन काफी है, और मुख्यमंत्री जी क्या है कि कर्तव्य विमूढ वाली स्थिति में रहे काफी समय तक जी, तो वहां क्या है कि स्थिति सख्ती से पालना नहीं की प्रशासन ने, और उस पर जो दबाव रहा तो वो सबसे बड़ी बात है। फिर ये क्या है कि राशन सामग्री बांटने के नाम पे जो सरकार दे रही है, इस तरह के लोग आगे जो कि नगर निगम चुनाव में पार्षद बनना चाहते हैं विधायक की, लेकिन अब तो महेश जी सरकार ने बैन कर दिया है कि आप किसी भी तरह की जो खाद्य सामग्री है या और फ्रूट सब्जी है उनको आप बांटते हैं, तो उस पर बैन लगा दिया है कि आप ना कहीं इसकी फोटोग्राफी करेंगे ना ही कुछ करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, सरकार ने तय कर लिया है कि कोई भी पत्रकार लौटा के होश में आए तो क्या किया, चार सामग्री का उपयोग कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि जो राशन के स्थान पर कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन विधायक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो जाति संप्रदाय से ऊपर के काम कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए विधायक सुरक्षा वार्डन वाले जो बांट रहे थे राशन उनको उठा के नगर निगम के थ्रू बंटवाने लगे वहां के जो विधायक हैं, और अपनी एक निजी लिस्ट लेके वो घूम रहे हैं। विधायक की शोभा नहीं देता है, उसके क्षेत्र में जो भी है जनता वो सब उसकी है, वोट जिसने दिया है या नहीं दिया है, और इस तरह की महामारी में उनको अपीजमेंट की पॉलिसी से ऊपर उठ के काम करना चाहिए था और करना चाहिए ना, तो महेश जी वो कर रहे हैं ना, करने देंगे, बधाई तो बनता है कि इस महामारी में हम सबको मिलकर सामूहिकता से जाति संप्रदाय सबसे ऊपर उठ कर हमें काम करना पड़ेगा। महेश जी आपका समर्थन करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत रही है उसको हमको मिलकर सबको ठीक करना पड़ेगा, और दीपक जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और सब लोगों को जोड़ा, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये संकट का समय है, इस संकट के समय में आपने ये तरीका भी ठीक निकाला कि हम लोग जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, तो ये समय है कि सेपरेशन रखा जाए, एक दूसरे से दूरियां रखी जाए, दिल से जुड़े रहे हैं लेकिन बाहर हम एक दूसरे से गैप रखें, और ये बहुत बड़ी अवस्था इस बात की है। निश्चित तौर से सुरेश जी, हमारा यही जोड़ना चाहूंगा कि अगर सरकार की फेलियर नहीं होती तो 350 केस जयपुर में नहीं बनते। ये यहाँ पे राजनीति, ये राजधानी है जयपुर, यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ मुख्य सचिव बैठते हैं, आप समझे मेरी बात को, तो ये सबसे बड़ी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 350 लोग कैसे हो गए आपके यहाँ होते हुए। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो यहाँ का प्रशासन है वो बच नहीं सकता। निश्चित तौर से देखिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी भी चाहिए, और हम हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी अक्सर यही कहते हैं
कि सरकार अकेली भी कुछ नहीं कर सकती, उसमें आपको, हमको, समाज, सामाजिक संगठनों को, और दूसरी चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या दूसरी जो भी अन्य पार्टियां हो, सब लोगों को एकजुट होकर मिलकर, साथ में मिलकर इस महामारी का का संकट जो है वो दूर करना है। और लगातार हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घरों में रहिए, हम भी हमारे घरों में हैं, और हम हमारे घरों में बैठकर इस समय ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, और आपकी जो बात है वो हम सरकार के सामने रखते हैं, जिससे कि अगर सरकार अपने प्रयासों में कहीं चूकती है, कहीं कमी होती है, तो निश्चित तौर पर वो इन कमियों को दुरुस्त करेगी और आम लोगों को इसका फायदा देगी। सुरेश जी, मैं यहाँ पर एक सवाल और, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता तो हैं ही हैं और साथ में आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, अभी हमने एक मुहिम और चलाई थी पिछले 2-3 दिनों में, जिसमें जो निजी स्कूल है उनसे हमने ये निवेदन किया था कि, और सरकार से भी ये निवेदन किया था कि जो 3 महीने की फीस है, इससे सुरेश जी देखिए बहुत से लोग काफी परेशान है कि 3 महीने की जो फीस है वो माफ की जाए निजी संचालकों के द्वारा, क्योंकि उनकी स्कूल जब खुलती है तो उससे वो सरकार से भी कई तरह के अनुदान लेते हैं, सरकार से नाम मात्र में वो जमीनें अलॉट करवाते हैं और अनेकों लाखों करोड़ों रुपए का फायदा लेते हैं। तो जब ऐसी महामारी है, ऐसा संकट है, तो हमने ये एक मुहिम चलाई थी कि स्कूल के जो लोग हैं, जो ऑनर हैं, वो स्कूल के जो बच्चों की 3 महीने की फीस है उसे माफ करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि 3 महीने तक इनको फीस के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि कई परिवार हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन परिवारों के लिए बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो संवेदनशीलता अपनाते हुए स्कूलों को, कॉलेजों को ये तय करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और फीस के लिए उनको परेशान नहीं किया जाए, 3 महीने की फीस उनकी माफ की जाए। और एक दूसरी बात जो पत्रकारों के हितों की बात है, क्योंकि अब बात चली है तो फिर दूर तलक जानी चाहिए, यानी कि सरकार पर पहुंचनी चाहिए, लगातार सरकार से, चाहे कांग्रेस के आपके विश्वेंद्र सिंह जी हों पर्यटन मंत्री, चाहे दूसरे नेता हों, उन सब ने ये कहा है कि जो फील्ड में हमारे पत्रकार साथी, वो किसी भी चैनल के हों, किसी भी अखबार के हों, वो जो घूम रहे हैं उनके ऊपर भी काफी जान का संकट होता है इस तरह संक्रमण फैलने का, लेकिन उसके बावजूद वो आम जनता तक जो सरकार की बात है, जो आम जनता की बात है, जो डॉक्टरों की बात है, जो समाज सेवी संगठनों की बात है, वो घरों तक पहुंचाते हैं, आम जनता तक पहुंचाता है, तो उनके लिए भी सरकार को कोई खास कदम उठाना चाहिए उनके लाइफ सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं, और पत्रकार वो है जो चौथा स्तंभ है, और आप लोग वो काम कर रहे हैं जो लोग हम लोग नहीं कर सकते कोई भी। आप हमारी बात को पहुंचाते हैं आगे तक, जनता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और संक्रमण काल में अपने आप को निकाल के घर से निकालना, तो परिवार सबके होते हैं, आपके भी हमारे भी है, तो आप घर से निकलते तो परिवार रोकता है आपको, मना करता है कि मत निकलो, परंतु आप अपनी जान जोखिम में डाल के निकलते हो, तो सरकार का दायित्व बनता है कि आपकी बचत की जाए, किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हो। पहली बात तो अवेयरनेस रखी जा रही है, आप लोग रखते ही है, मुंह पे हम लोग मास्क लगा रहे हैं, बार बार सैनिटाइज हो रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर भी इसमें इस बात का समर्थन करता हूँ कि एक बीमा राशि आप लोगों की तय की जाए, जिससे कोई किसी व्यक्ति के सामने कोई संकट आ जाए, उसके परिवार को आगे जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं आए, और उसके परिवार की सेफ्टी के रखने के लिए एक बीमा की राशि आप लोगों के लिए भी तय की जाए, जैसा कि डॉक्टरों के लिए तय की गई है और लोगों के लिए तय की गई है। मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ महेश जी, दीपक जी, आपकी बात का, कि ये 50 लाख रुपए की जो एक सीमा तय की गई है, ऐसा ही क्योंकि आप सीधे सीधे सरकार, सुरेश जी, आप सीधे सीधे सरकार से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये डिप्टी सीएम साहब तक ही पहुंचाऊंगा, पायलट साहब तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा कि इस बात को रखा जाए कि 50 लाख की, लेकिन ये बात ये भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार भी इस व्यवस्था को लागू कर सकती है, ना केवल राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार भी ऐसा बीमा तय कर सकती है राहत पैकेज के रूप में। एक बात वो कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे हमारे जो दूसरे प्रतिनिधि बैठे हैं वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी राज्य सरकार के एक तरह से आपको प्रतिनिधि के रूप में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो हम आपसे मैं आपकी बात को बिल्कुल लिखित रूप से पहुंचाऊंगा, और आपकी बात को मैं मौखिक रूप से भी कह के आऊंगा कि आप लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जाए जिससे कि आप लोगों को राहत मिले, जब फील्ड में काम करें तो कोई दिक्कत महसूस नहीं करें। जी महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे किसमें, ये शिक्षा वाले मामले में, ये जो आपने हाथ ऊपर किया था जिस समय मैं सुरेश जी से बातचीत कर रहा था पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों को कुछ सहयोग राशि के लिए या उनको आवश्यक बीमा के लिए। मैं देखिए दो दो लाइन इन दोनों मुद्दों पर ये बोलना चाहूंगा। एक तो आपने ये स्कूल फीस वाला मामला उठाया जी, देखिए इसमें ऐसा है कि
अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन कह ही दिया प्रधानमंत्री जी ने जी, और बाकी 2 महीने छुट्टी होती है, तो इसको में तो कोई पढ़ाई उड़ाई तो हुई नहीं है, जबरदस्ती ये सालों से 2 महीने की 3 महीने की फीस ले रहे थे मुफ्त में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होता है, तो वो तो क्या है कि माफ होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और मजा उसमें रहता है, स्कूल वाले खुद आते, सरकार के आदेश की भी वो क्या प्रतीक्षा कर रहे थे। और जहां तक आपने ये पत्रकारों के लिए बीमा वाली बात बताई, तो हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं काफी, और उनको मीडिया फ्रेंडली कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे सुरेश जी हैं, ये भी क्या है कि ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा ये हमारी भावनाएं पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई तकलीफ आएगी, और कवर करना भी चाहिए। देखिए पत्रकार भी अपने, और ये पत्रकारों का अधिकार भी है, अधिकार भी है, एहसान नहीं है, अधिकार है पत्रकारों का। तो मुझे आशा है सुरेश जी की जो कार्य प्रणाली है ये पहुंचाएंगे भावनाएं पत्रकारों की, और कुछ अच्छा ही होगा जी। निश्चित तौर पर मैं सुरेश जी आपको भी ये बताना चाहूंगा कि हमने जब स्कूल फीस माफ की जो मुहिम छेड़ी थी, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुछ स्कूल हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम देखने के बाद अपनी 3 महीने की जो फीस है वो माफ कर दी है, और हम उम्मीद करते हैं राजस्थान के जो स्कूल के संचालक हैं उनसे भी कि वो भी इस महामारी को देखते हुए बच्चों की जो 3 महीने की फीस है उनको माफ करने का कुछ प्लान ऐसा तैयार करें जिससे कि उनको भी नुकसान नहीं हो और आम जनता को भी इसका लाभ मिले। सुरेश जी, हम चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के प्रदेशवासियों को और पूरे देश और दुनिया के जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं हमारे सिटी लाइव माध्यम से, सिटी लाइव के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग घरों में बैठे हैं अभी भी अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, घरों से निकलने में घबरा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने में घबरा रहे हैं, उनको विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि सब लोग सावचेती रखें और प्रयास ये करें कि किसी प्रकार की संक्रमण अपने पास नहीं आ पाए। इस कोरोना महामारी का एक ही उपाय है, बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग संक्रमण से बचें। अपने हाथ बार बार धोते रहें, 20 सेकंड तक लगातार अपने हाथ धोएं, दिन में कम से कम 10 से 15-20 बार कम से कम हाथ धोएं, और किसी व्यक्ति संक्रमण से निकलने के लिए हमको एक ही रास्ता कि घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहें। 21 दिन का लॉकडाउन पहले हो चुका है, 21 दिन का और होने वाला है, हम इस 42 दिन के बाद जब निकल के आएंगे तो खुली सांस ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सुरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी कहा है उसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। एक आखिरी सवाल और मेरे जहन में है जो आपके माध्यम से कहलवाना इतना जरूरी है जिससे कि जो लगातार लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो बिना किसी काम के सड़कों में घूम रहे हैं, या जो हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, या डॉक्टरों के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सरकार सख्त कार्रवाई करेगी या उनको ऐसे ही छोड़ देगी जैसे अभी छोड़ रखा है? नहीं दीपक जी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने बार बार लोगों से यही कहा है कि अब समय है कि हम लोगों को सावचेत रखनी चाहिए, नहीं रखेंगे तो खुद परेशान होंगे। और इसलिए बहुत ज्यादा मजबूती के साथ में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है, जिस प्रकार से लॉकडाउन है उसमें कोई ढील नहीं दी जा रही है। जो सख्ती जो कर सकते हैं अधिक से अधिक वो करने का प्रयास सरकार कर रही है और भविष्य में भी करेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुरेश मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। महेश जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे इस कार्यक्रम में जो हमने बातें कही है उनका, और अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि आप अगर घरों में रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, आपका राज्य और देश सुरक्षित रहेगा, और यही आपकी सच्ची देशभक्ति होगी। फिर मिलेंगे हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।